अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे और वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे नाइट रहने वाले हैं। वो मेरे मासी का घर है, सो वहाँ पे हम एक नाइट वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे बहुत सारी एंजॉयमेंट करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे मासी के लड़के हैं दो, वो बहुत ही शरारती है और बहुत ही मस्ती खोर है, तो उनके साथ मस्ती भी करेंगे और एंजॉय करेंगे और उनके साथ साथ में जो बहुत सारी अच्छी चीज होती होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो देखते रहिए हमारा व्लॉग। हम जा रहे थे और बीच में भूख लग गई, आपको पता ही है कहीं रास्ते में जा रहे तो भूख लग ही जाती है। सो महिमा बोले कि हमको ये ले दो। सो ये भेल बना रहे हैं और दाने चने की, सो हम थोड़ा बहुत वो खाएंगे और उनके बाद हम निकलेंगे आगे। कोलेजन भेल हमने खा चुके हैं लेकिन बहुत ही तीखी थी, सो महिमा तो खा नहीं पाई। मैंने और कीर्ति ने सब बताया, ज़्यादा नहीं लिया था, दो प्लेट ही लिया था, हमको पता ही था। तो बहुत ही दिखे थे मिर्ची मिर्ची तिकी तिकी मिर्ची मिर्ची। खुश ने भेल नहीं खाई लेकिन उन्होंने यहाँ पे मजा कर लिया है, सारी चीज देख रहा है। हम सोसाइटी में आ चुके हैं लेकिन फिलहाल इनकी सोसाइटी जो है वहाँ पे रास्ता बन रहा है, इसकी वजह से हम पैदल ही पैदल जा रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, रास्ता बना रहा है आरसीसी। हम पैदल ही जा रहे हैं, आप देख सकते हो कीर्ति भी आ रही है पीछे और महिमा भी आ रही है। और इनका नाम क्या है भाई, आपका नाम? जयदीप। जयदीप नाम है और हम उसको प्यार से बोलते हैं टीनू, सो उनका फेमस नाम है टीनू। सो अभी वो हमको लेने आया था और अभी हम जा रहे हैं उनके घर पे। सो ये मेरा मासी का छोटा वाला लड़का है, बड़ा वाले को मैं अभी बताता हूँ, वो भी बहुत ही दगाबाज हैं। फिलहाल उनको बाद में मिलवाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी मौसी जो है वो बैठी है, ये मेरी मौसी है और बाकी उनके ननंद है, वो सारी चीज है और यहाँ पे वो मजे ले रहे और बच्चे पीछे खेल रहे। हाय। तो फिलहाल हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो बहुत ही मस्त पार्किंग भी है, सारी चीज़ है, लेकिन रास्ता खराब है, इसकी वजह से बंद है और इसकी वजह से हम कार को वहीं छोड़ के आए हैं। घर पे पहुँच चुके हैं और वो दगाबाज इंसान यही है और इसका नाम है जिगा, जिग्नेश। सो जिग्नेश कविराज के बाद ये दूसरा नंबर इसका ही आता है, गाने में नहीं लेकिन ये इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करता है। तो इनका नाम पीयू है और ये सबसे बड़ा जुगारी है और इसको जुआ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे में 11 साथी है जो कल आने वाली है, सो ये जुगार खेलने के लिए तैयार है। सो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे घर पे और हम आनंद उठाने वाले हैं। यहाँ पे एक नाइट दो नाइट हम रहने वाले हैं, हमारा कोई फिक्स नहीं है लेकिन हम जितनी नाइट यहाँ पे रहेंगे धमाल करने वाले हैं। खाने का प्लान होने वाला है, सो हम किसी किसको पता है पूछते हैं, मुझे नहीं पता, इसको पूछते हैं क्या बनने वाला है आज खाने में। आज खाने में वड़ा पाव बनने वाला है। सो आज खाने में वड़ा पाव बनने वाला है और कौन बनाने वाला है? ऑलरेडी ब्रेड जैसे है और भी वड़ा पाव क्या के बड़े। तो इनकी बातें कम सुना करे क्योंकि उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है। सो क्या खाने में बनने वाला है? वड़ा पाव एक बार। बनने वाला है वड़ा पाव। ये पढ़ने लिखने में सभी लोग बोलते है अच्छा है लेकिन फिलहाल कुछ है नहीं और स्कूल वाले ने गलती से इनका इतना अवार्ड दे दिया है। क्या आपको लगता है लड़का पढ़ने में अच्छा होगा? मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ही शरारती है। सो फाइनली बच्चा पार्टी यहाँ पे बारिश देखने के लिए आ गए हैं और अभी दिन स्टार्ट है और बारिश भी हो रही है। सो कितने बजे हैं? 6 बजे है और अभी देखिए वाह क्या मस्त बारिश, अभी मैं कल ही नहाया था इसकी वजह से बारिश में आज नहीं, तो आज नहीं नहाई हूँ, तो आज उनका मन नहीं था इसलिए नहीं नहाई। क्या नाम है? तमन्ना उसका नाम है। सो आज भी हम बारिश का मजा लेंगे। सो यहाँ पे हो रही है बारिश और हम उसका लुत्फ उठाएंगे।
ऐ खुश जो बोला हमने। अभी लाइट चली गई है हमारे घर पे, लेकिन फिर भी हमारे वड़े जो तैयार हो चुके हैं अभी इसमें ऑयल में फ्राई होंगे और जल्दी से जल्दी इसको खाया जाए। हमारे वड़ा पाव रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हो मस्त मस्त वड़ा है और इसमें ब्रेड जो पाव है वो भी रेडी हो चुका है और ये है चटनी और यहाँ पे मिर्ची है और ये बड़े मिर्ची है। ओह माय गॉड, ये चटनी है। तो यहाँ पे खाने के लिए सभी लोग बैठ चुके हैं, मैं भी बैठ गया हूँ और ये इतने बड़े बड़े मर्चे खाने वाले हैं, देखिए आप। ओह माय गॉड, आठ बज चुके हैं और अभी हम सोसाइटी में राउंड मारने के लिए निकले हैं और आप देख सकते हो बारिश अभी स्टार्ट है और अभी मेरे साथ तीनू है और उनके साथ जीगा है। सो अभी हम तीनों तीन बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और लाइट चली गई है पूरी सोसाइटी में और बारिश धीरे धीरे आ रही है। हेलो गाइज, सो गुड मॉर्निंग और अभी बज गए सुबह के 8 और हम घर पे आ चुके हैं। फिलहाल हम नाइट में मेरी मासी के वहाँ पे थे और वहाँ पे ढेर सारा एंजॉय किया और बहुत सारा शोर था और आवाज़ थी, इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत ही मजा मस्ती की और 2 बजे तक हम जगे थे सारे लोग और मजाक मस्ती करने के बाद नाइट में सो गए और सुबह मॉर्निंग में उठ के हम वापस आ गए हैं घर पे। सो फिलहाल कीर्ति, महिमा और खुश ऊपर गए हैं और हमारे साथ एक गेस्ट भी आया है, वो गेस्ट को हम आज मिलवाएंगे आपके साथ और कौन है वो, कहाँ से आए हैं, सो सारी चीज बताएंगे और उनके साथ साथ में ये वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।